हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? तो ड्रैगन बॉल ज़ी ब्लू का एक रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो ड्रैगन बॉल ज़ी ब्लू का ये प्लेइंगस्टेशन 2 की बेस्ट गेम में से एक है, और इसके अलावा PS3 में भी अवेलेबल है, यानी प्लेइंगस्टेशन 3 में भी। और इसे चला सकते हैं आप अपने PC में PS2 के एमुलेटर के जरिए, यानी PCX2 और 1.2 वर्जन में। गेम सेटिंग्स के बारे में मैंने पहले अलग से वीडियो बना रखी है, चाहो तो उसे भी देख सकते हो। इसी वीडियो के ऊपर लिंक स्लैश हो रहा होगा, और भी अमेजिंग वीडियो इंतजार कर रही है आपका, तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, ड्रैगन बॉल ज़ी ब्लू काई ये ऐसी एनिमी बेस्ड गेम है, ड्रैगन बॉल ज़ी एनिमी से रिलेटेड। और इसमें अलावा कई चैलेंजर्स मिलते हैं आपको, CN सागा से लेके सेल्स गेम्स तक है। तो करेक्टर्स उतने ही हैं, उसी हिसाब से दिए गए हैं। हालांकि ये फर्स्ट गेम है, पर एक 3D गेम है। इसमें करेक्टर, सभी करेक्टर 3D में हैं, और बैटल स्टेज भी 3D में ही लगता है। इसके ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और हो सकता है आपको वीडियो में ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रहा होगा, इसी चक्कर मैंने वॉइस हटा रखी है थोड़ी, गेम प्ले की वॉइस नहीं दे रहा मैं। वो देख सकते हो करेक्टर्स कैसे हैं, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ग्राफिक्स थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे होंगे आपको, पर उम्मीद है आप जरूर अपने PC में चला के देखेंगे तो बिल्कुल चलेगा आपके PC में स्मूथली और अच्छे ग्राफिक्स के साथ। और हाँ, ये लो PC में भी चल जाता है गेम, इसमें कोई खास रैम या फिर ग्राफिक की जरूरत नहीं पड़ती, खाली इमुलेटर चलना चाहिए आपके PC में PCX2 का। और ये गेम ज़्यादा बड़ी भी नहीं है इसका सेटअप, और ये कैसी गेम है पर पहले इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि इसमें करेक्टर दिए गए हैं, सभी करेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ तक कि इसमें अगर आप खाली थ्रो, हर करेक्टर का थ्रो काफ़ी अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है एनिमी स्टाइल में। उनको कई ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको दिखाऊँगा, पर इसमें जो है की चार्ज वेरी इजीली हो जाता है, खाली ब्लॉक बटन दबा के रखना है और पीछे वाला करते जाना है, पीछे के एरो के दो बटन दबा के होल्ड करना है और आराम से की चार्ज हो जाएगा। स्पेशल मूव करने के लिए आपको कॉम्बो के ऊपर ध्यान देने पड़ेंगे, कॉम्बो से इसमें स्पेशल मूव हो सकते हैं। और हालांकि येलो कलर का काम हमें है इसमें, जो कि एक तरह से कह सकते हैं शायद गेम बजट के हिसाब से येलो कर दिया गया है। और ये फर्स्ट गेम है, तो इसी वजह से ये बहुत कम ही ड्रैगन बॉल ज़ी गेम में है जिसमें गोकू के कई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए जाते हैं, वो भी कैन और कैन के बस में छोटे छोटे की ब्लास्ट काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और ये देख सकते हो आप कैन और कैन के ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड, और फिर ये थर्ड, और फाइनल में वो एक और, और उसके बाद फाइनल में सुपर सेन फॉर्म। और चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस की चार्ज के ऊपर ध्यान देना होगा आपको, की चार्ज नंबर कौन सा है। 6 नंबर पे ही सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो चाहो तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, इसमें फाइनल फॉर्म में आ सकते हो। और सेल्स के भी इसमें एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब सेल्स के तो है ही है, पर लेकिन सेल्स के हैं 4 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परफेक्ट सेल के बाद के भी 2 ट्रांसफॉर्मेशन और हैं। और बैटल स्टेज का ये थ्रो सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। और कहना चाहूँगा, अगर आपको गेम अच्छी लगती है तो आपको ट्राई करना चाहिए इस गेम को, पर इसमें स्पेशल अटैक उतने ज़्यादा आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, पर इसमें अल्टीमेट अटैक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे, एपिक लेवल के बिल्कुल। और इसकी सबसे बेस्ट पार्ट मैंने आपको बता ही नहीं अभी था, बेस्ट पार्ट है इसके स्टोरी मोड। इसके स्टोरी मोड में आपको एक 3D के तौर पे, मतलब क्या हाई अच्छे ग्राफिक्स में आपको स्टोरी देखने को मिलता है ड्रैगन बॉल ज़ी की एनिमी बेस्ड। और इसमें स्टोरी मोड के ओपनिंग सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हालांकि वो मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट इशू का चक्कर है, आप थंबनेल देख के समझ जाओ। एक एनिमी सॉन्ग को, मतलब एनिमी ओपनिंग को, मतलब 3D में मनाया गया है बिल्कुल अच्छे ग्राफिक के साथ, तो ये एपिक लेवल पे है। और हाँ, स्किल्स, एडिट स्किल्स में आपको बाय करने पड़ते हैं, जो आप टूर्नामेंट के जरिए, पॉइंट्स के जरिए आप कर सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर आप यकीन करोगे कौन सा है, इतने
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर है इसमें मिस्टर सैटर्न का, क्योंकि आप टूर्नामेंट जीत सकते हो उससे वेरी इजीली। और उसके पास भी ट्रांसफॉर्मेशन है, सबके पास है तो उसके पास भी है भाई। बस अल्टीमेट अटैक के लिए भी आपको कॉम्बोस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। कॉम्बोस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी कॉम्बोस और अल्टीमेट अटैक स्किल आइटम्स से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है। इसमें देख सकते हो फ्यूचर ट्रंक्स का, और हाँ कस्टमाइज ऑप्शन भी, हर करेक्टर का कस्टमाइज ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। और ये एक रिव्यू देता है ड्रैगन बॉल ज़ी की आने वाली आगे सीरीज के, जैसे मार्चिंग बॉल सीरीज का। और सही में स्टोरी काफ़ी मज़ेदार है, उसकी एनिमी स्टोरी के अलावा भी इसमें एक स्पेशल मूवमेंट रखे गए हैं इस गेम की स्टोरी में, जो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब देख सकते हो मैंने फ्यूचर ट्रंक्स ले रखा है, तो शुरू करते हैं। आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाते हैं, एक कस्टमाइज ऑप्शन ट्रंक्स है और एक नॉर्मल ट्रंक्स है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यह चैनल अधूरा है। देख सकते हो मैंने फ्यूचर ट्रंक्स ले रखा है नॉर्मल, और ये सुपर सैयन और सुपर ट्रंक्स बन चुका है, यानी सुपर वेजिटा वाला फॉर्म। और इससे भी ऊपर आपको पता ही है, जैसे कि जा सकता ही है, वह चला गया सुपर ट्रंक्स सेकेंड। और कस्टमाइज ऑप्शन में देख सकते हो कि ट्रंक्स आर्मर फॉर्म में है और लॉन्ग हेयर है। और इस चीज़ में एक और बात आता तो मैं आपको इस गेम में आपको अपने ही करेक्टर के एनिमी के बाल हवा में लहराते हुए भी नज़र आते हैं। सच में ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हो आर्मर ट्रंक्स के बाल कैसे हवा में थोड़े बहुत लहरा रहे हैं। पर इसके अलावा इसमें और भी स्किल्स हैं, जैसे कि मैं नॉर्मल में आपको सब दिखा रहा हूँ, चाहो तो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हो। पर अल्टीमेट अटैक में सब वाकई में एपिक लेवल का अल्टीमेट अटैक है, जिसका बैटल डैमेज के ऊपर असर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। गेम काफ़ी अच्छी है, और ड्रैगन बॉल्स को आपको बाय करना पड़ता है स्टोरी मोड के लिए आराम से अमेजिंग तरीके से। और फ्रेंड्स अब वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। और मैं ओपनिंग नहीं दिखा सकता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ ये गेम काफ़ी एपिक है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहें तो कर तो करिए। पर इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, तो देख सकते हो वीडियो लिंक्स आपकी वीडियो के ऊपर स्लैश हो रहे हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।